हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग CHSL का प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर में अभी हम लोग आ गए हैं 17 नंबर पर। इसका मतलब हुआ कि 16 पेपर हम लोग कर रहे हैं। 16 पेपर कर चुकने का मतलब हुआ कि 4 दिन का पूरा पूरा हम लोग डिस्कस करा चुके हैं। एक दिन में 4 होता है और 4 दिन में हो गया 16। तो आज हम लोग 5वें दिन का पेपर करने जा रहे हैं और ये है 15 मार्च का पेपर, 15 मार्च 2023 का पेपर है। और आज अभी हम पहली शिफ्ट, इसकी फर्स्ट शिफ्ट मतलब 9 से 10 में जो पेपर हुआ था उसको करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, क्या करना है इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों के बारे में अध्ययन, देयर एंसेस्टर्स उनके पूर्वजों के बारे में अध्ययन, थ्रू टाइम मतलब शुरुआत से लेकर के प्रिमिटिव एज से लेकर के स्टोन एज से लेकर के अब तक कैसे कैसे इंसान में उनके उनके एंसेस्टर्स में किस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट होता है, किस तरह से उनका एथनिक चेंज होता है, कैसे मिक्सिंग होती है, मतलब पूरी दुनिया में कहाँ मानव बंदर से मानव बने, कैसे कैसे उनमें विकास होता गया, मतलब पूरी कहानी पढ़ना, तो उसको क्या कहते हैं। एक हो गया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में मतलब शरीर के बारे में पढ़ा जाता है ना। अब एथनोलॉजी में, एथनोलॉजी क्या होती है, नस्ल के बारे में, ये मतलब किस नस्ल का इंसान है, जैसे बहुत सारे नस्लें हैं, काकेशियन है, मंगोलायड है, ठीक है, मेडिटेरेनियन है, इस तरह की जो नस्लें होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो एथनोलॉजी होती है। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है कि हिस्ट्री ऑफ या स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान का कैसे 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 कल्चरल चेंजेज होते हैं, उसका कल्चरल कैसे डेवलपमेंट होता है, उसकी स्टडी, हमारे पूर्वजों के बारे में वो कैसे थे, क्या उनकी कल्चर थी, क्या उनकी सिविलाइजेशन, ये सब चीज़ें थी, तो वो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। वैसे भी इंसान के बारे में जो अध्ययन होता है वो एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें रूट वर्ड क्या है, एंथ्रोप है, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, अभी इसी एंथ्रोप में लॉजी लगा दो, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये एंथ्रोपोलॉजी हो गया। फिजियोलॉजी क्या होता है, शरीर क्रिया विज्ञान होता है, मतलब है इसमें स्टडी की जाती है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है, जैसे किडनी कैसे काम करती है, लीवर कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, कौन ठीक काम कर रहा है, कौन कम ठीक काम कर रहा है, इस बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी होती है। तो फिलहाल इसमें जो आपका आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आपका ये दूसरा क्वेश्चन रहा, फिलर का क्वेश्चन है। पढ़िए, लिखा है द अहेज ऑफ पैनिक, अहेज ऑफ पैनिक मतलब क्या, वो डर है, ये डर का जो एक हेज था उसने ब्लर्ड माय विजन, उसे मतलब आंखों का मतलब बहुत ज़्यादा डर गए तो दिखना कम हो गया, ब्लर हो गया। समथिंग टेरेबल वाज क्लोज टू, कोई बहुत ही टेरेबल चीज़, कोई बहुत ही भयानक, कोई डरावनी चीज़ वाज क्लोज टू, क्लोज टू मतलब क्या, होने ही वाली है, एकदम से नज़दीक में होने वाली है, ठीक है। तो याद रखो कि ये जब क्लोज के बाद हम लोग टू लगाते हैं तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। आप एक मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा होगा वर्ब वाले में, वर्ब वाली प्लेलिस्ट में होगा, उसमें होगा वर्ब फॉर्म्स। तो वर्ब फॉर्म्स के पहले या दूसरे दिन में मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक, लेकिन टू को छोड़ करके, टू अगर आ गया तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू के अलावा एट, ऑन, इन, फार, फ्रॉम, विद, विदाउट, अंडर, ओवर, बिलो, कुछ भी लिखा हो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना, लेकिन टू लिखा हो तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। देखिए मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, टू के साथ क्या लगनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, और कभी कभार टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, कभी कभार का मतलब बहुत रेयर केसेज में लगता है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो 99% केसेज में लगता है, ये 1% केसेज में लगता है, वही 1% केस में ये भी है, क्लोज टू है, और भी बहुत से हैं, आदत वाले जितने हैं, एडिक्टेड टू है, हैबिचुएटेड टू है, अकस्टम्ड टू है, ठीक है, गिवन टू है, टेकन टू है, या क्लोज टू है, ये वाला क्लोज टू है, की टू है, इन एडिशन टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, विद अ व्यू टू है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, जो फ्रेजेज हैं, इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये क्लोज टू भी उसी में से एक है, क्लोज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो आपका आंसर कौन सा होगा, क्लोज टू हैपनिंग, ठीक है। तो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्या बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है।
अब ऑब्सेक्वियस, इसकी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऑब्सेक्वियस की मीनिंग क्या होती है? फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है एक तरह से चापलूसी करना, साइकोफेंटी, साइकोफेंसी कहते हैं, साइकोफेंट नाउन हो जाएगा। तो ये हो गया फ्लैटरिंग, चापलूसी, खुशामद करना किसी की। डिसेमिनेट, ये स्पेलिंग गलत हो गई, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए था? DISS, ये तो होता है, लेकिन आई नहीं, ई होगा, ठीक है। उसके बाद EMINATE, डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइज करना, किसी बात का प्रचार प्रसार करना। तो ये स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा, ये स्पेलिंग गलत है तो यही आपका आंसर होगा। कहाँ गलती है? ये SSS के बाद आई नहीं, ई होना चाहिए था। नेसेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेज मतलब कोई चीज़ जो अपनी शुरुआती चरण में होती है, ठीक है। और मैलिएबल का मतलब होता है ये जो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कोई चीज़ है, कोई धातु है, जिसको आप पीटें तो वो लंबी हो जाए या पीटने पर फैल जाए, वो मैलिएबल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अपोजिट इन मीनिंग बताना है। अपोजिट मीनिंग किसकी? टिमोरस का बताना है। टिमोरस की जो मीनिंग एक्चुअली होती है वो होती है नर्वस, ठीक है। देखो गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, नर्वस, NERVOUS, नर्वस मतलब बहुत घबराया हुआ होता है। तो घबराया तो मतलब होगा ना, जब डर जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा या डर जाएगा तो आदमी घबरा जाएगा, तो टिमोरस हो गया नर्वस। अब आ जाओ रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड करीब करीब वैसा ही हो जाता है। गटलेस, गटलेस का मतलब क्या हुआ? डरा हुआ, ठीक। तो रिजर्व भी वही होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो तो रिजर्व होता है आदमी। गटलेस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दम नहीं होता, वो कात नहीं होती है, गट नहीं होता, ठीक है, तो वो हो गया, हिम्मत नहीं होगी। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब क्या होता है? बहुत ही बोल्ड होता है, ठीक है, और बोल्ड या सेमलेस कह सकते हो। इसकी एक मीनिंग सेमलेस भी है, सेम लेस, ठीक है ना, कौन? जिसके अंदर शर्म है नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो वो सेमलेस हो जाता है, ठीक है, सेमलेस है। बेशर्म होगा, बोल्ड होगा। तो ये टिमोरस नर्वस होगा तो उसका एंटोनियम क्या हो गया? ब्रेजन हो जाएगा। स्कार्ड का मतलब डरा हुआ, तो टिमोरस ही हो जाएगा ना, डरा हुआ भी टिमोरस जैसा ही होगा। तो बाकी तीनों तो उसके साइनोनिम हो जाएंगे, एक ब्रेजन ही है जिसके एंटोनियम में जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या करना है कि एक ब्रैकेटेड पार्ट है उसको रिप्लेस करना है, अगर ज़रूरत है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ब्रैकेटेड पार्ट कितना है? ये इतना ब्रैकेटेड किया दिया हुआ है, इन स्पेनिश खाली इतना ही तो आपको बचाना है, ठीक है। लिखा दैट्स वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्वीयर वर्ल्ड, दैट इज मतलब क्या हुआ? ये है वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट, सबसे तगड़ा स्वीयर वर्ल्ड, स्वीयर वर्ल्ड मतलब कसम खाने वाला, जैसे लोग कहते हैं ना बाई गॉड, भगवान की कसम, तुम्हारी कसम, ये सब क्या है? ये कसम खाने के लिए स्ट्रांग वर्ड होते हैं। अच्छा, इसमें गड़बड़ी क्या है? नाउन की गड़बड़ी है। जब आप कहते हैं वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ कहोगे तो इसका मतलब नाउन क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ मतलब हुआ में से एक, और में से एक का मतलब क्या हुआ? कितने में से? एक में से एक तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा लोग हैं कि तभी तो होगा ना, उनमें से एक, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखा है दैट शुड हैव बीन वर्ड्स, ठीक है, तो ये होगा दैट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्वीयर वर्ड्स, पहला वाला होगा, ये वर्ड्स लिखा है ना, इस वजह से वर्ड्स होना चाहिए, ठीक। आगे अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो बाकी वाले क्यों नहीं हो सकते तो देख लो, यहाँ लिखा दैट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्वीयर वर्ड्स, यहाँ लिखा दैट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्वीयर वर्ड्स, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। यहाँ लिखा दैट इज स्ट्रांगली स्वीयर वर्ड्स, स्ट्रांगली नहीं, वन ऑफ द लगाओगे तभी ये वर्ड्स हो पाएगा, ये भी गलत है। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्वीयर वर्ड, अब वन ऑफ द दैट लिखा है दैट इज ऑफ द, यहाँ पे वन छोड़ दिया उन्होंने, गलत कर दिया, तो ठीक है, इसलिए केवल पहला वाला होगा, बाकी नहीं हो पाएंगे। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ क्या दिया है, रीअरेंज करना है, ऐसे ही PQRS देख कर ही लग जा रहा है। तो लिखो द टीम प्लान्स टू, अब प्लान्स टू, अब अभी भी मैंने बताया था कि इसके बाद जब टू लग गया है, प्लान किया उन्होंने, तो टू के बाद और की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। कहाँ है प्लान्स टू फ्लावरिंग? नहीं होगा, क्योंकि ING, अभी मैंने बताया था कि किसी किसी टू के बाद ING आती है, लेकिन उस लिस्ट में प्लान्स टू नहीं है, ठीक है। उसकी एक लिस्ट है जो आप मेरा वर्ब फॉर्म वाला टॉपिक देख लीजिए तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, पूरा मैंने लिखाया था, लिखा है उसमें कि किनके किनके बाद वर्ब की ING फॉर्म आनी है। तो ये वाली ING फॉर्म नहीं आएगी, प्लान्स टू यूजिंग नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा, प्लान्स टू यूज ये हो सकता है, प्लान्स टू यूज, प्लान्स टू हेल्थ प्रमोटिंग नहीं होगा, प्लान्स टू बायोटेक्निकल ये भी नहीं होगा, ठीक है।
तो छः नंबर पे होना क्या चाहिए पहले? पहले स्टार्टिंग तो होगी क्यू से, ये तय बात हो गई कि स्टार्ट किससे हो रहा है, क्यू से हो रहा है। क्यू से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से? ये दोनों भाई नहीं, ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि इसके एंड में पी दिया हुआ है और इसके एंड में आर दिया हुआ है, देखो किससे एंड हो सकता है। पहले पिन पी से एंड करके देख लो, इन एप्पल ट्रीज, ये तो एंड हो सकता है। आर में देख लो जरा, एंड एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय, तो एंड के बाद एम्प्लॉय लगा हुआ है, एम्प्लॉय अधूरा लग रहा है, एंड एम्प्लॉय क्या एम्प्लॉय भाई, इसके बाद कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है, आई एन एम्प्लॉय क्या, आई एन एम्प्लॉय ये बायोटेक्निकल अप्रोचेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब पी, हम आर से एंड नहीं कर सकते, पी से ही एंड कर सकते हैं। तो ये वाला तीसरा वाला भी गलत हो गया, आर से एंड ही नहीं होगा, तो फिर एक ऑप्शन आपके पास बच रहा है, कौन सा? पहला वाला। तो ये पहला वाला सही होगा। अगर आप पढ़ के मिलाना चाहते हो तो मिला लो, द टीम प्लान्स टू, प्लान्स टू के बाद क्या आ जाओ, क्यू में आ जाओ, प्लान्स टू यूज द डेटा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या करोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद आ जाओ आर में, ठीक है, यहाँ पे यही दिया है ना, क्यू के बाद आर, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय क्या, एंड एम्प्लॉय बायोटेक्निकल अप्रोच दैट कुड स्पीड अप, क्या स्पीड अप करेंगे, यहाँ पे पोजिशन है, इसके बाद आएंगे फलेंगे, स्पीड अप क्या बढ़ा सकते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन इन द एप्पल ट्रीज। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, तो इसलिए पहला वाला ही सही होगा। आगे आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, खाली जगह भरना है। लिखा है कि नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स आई ट्राई, नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स आई ट्राई, आगे लिखा है आई ऑलवेज एंड अप इन द सेम डैश, एंड अप इन द सेम, चाहे जितनी बार ट्राई किया हो हर बार नतीजा वही हो, तो एंड अप इन, ठीक है ना, एंड अप इन के साथ क्या लगता है, एंड अप इन सेम पिकल, ये मुहावरा है, ये एक एडियम है, फेलर का क्वेश्चन है लेकिन पूछा है इसमें एडियम है, एंड अप इन पिकल, सेम ना लिखो तब भी कोई बात नहीं है, सेम हो जाएगा, सेम वही प्रॉब्लम हर बार आती है। तो एंड अप इन पिकल का मतलब होता है ट्रबल में, किसी मुसीबत में, किसी डिफिकल्टी में पड़ जाना। सेम ट्रबल का मतलब क्या हुआ, सेम पिकल का मतलब उसी परेशानी में हर बार पड़ जाते हैं, तो चूंकि एक एडियम है एंड अप इन पिकल होता है, तो यही आपको लगाना पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट आपका, आपका क्वेश्चन नंबर एट है क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी है। क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब आप समझ लो, आपको साइनोनियम बताना है, ठीक है। सो वॉल्ट होता है, वॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई घर वगैरह बना होता है तो घर के ऊपर ऐसे ऐसे टाइप का बना नहीं होता, गुंबद जिसको कहते हैं, ऐसे गुंबद टाइप का बना होता है, इसको वॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। और उसी गुंबद को दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है, क्रिप्ट कहा जाता है, तो आपका साइनोनियम हो गया। मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब होता है किंग, रूलर, राजा हो गया। राशन, ये राशन लिखा हुआ है, राशन वही जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, पीडीएस, जो सरकारी राशन की दुकानों पर राशन मिला करता है, वो राशन मतलब यहाँ सरकारी वाला नहीं, आपके घर में जो गेहूँ दाल चावल रखा हुआ है उसको भी आप राशन कहते हो, राशन है वो। रेजिन्स क्या होते हैं, रेजिन होते हैं किशमिश, ठीक है, समझ गए, किशमिश ये होता है, मेवा है एक तरह से। ऊपर वाली आंटी जी लग रहा है कि तखत वगैरह खींच रही है तो खड़बड़ाहट शुरू है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नाइन पर, आंसर आपको मिल गया क्रिप्ट का, आंसर नंबर नाइन। तो ये रहा क्वेश्चन नाइन में क्या करना है, आपको एडीएम दिया हुआ है, एडीएम का मतलब बताओ जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी इलीगल कार्य को बिल्कुल नहीं टॉलरेट किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशन ऑफ द रूल एंड लॉ, पहला ही हो गया, मतलब किसी तरह से रूल का कोई भी वायलेशन, कोई भी उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन आपका, तो क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बताना, एंटोनियम बताना है, ये जरूर ध्यान रखना, एंटोनियम बताना है किसका, टिमिड का, टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, कायर होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, एक ही दे दिया। स्मेली का मतलब जिससे बदबू आ रही है, लूसिड का मतलब हुआ जिसमें बड़ा रस होता है, जिसे संतरा वगैरह हो गया, केयरफुल बड़ा सतर्क हो जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन तो एकदम मुफ्त वाला था, ठीक है, तो टिमिड का करेजियस हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 11, फिर से फिलर का क्वेश्चन है, लिखा AWS, AWS क्या होता है, मतलब ये अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक है, अमेजन वेब सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज देते हैं। तो AWS offers various storage services,
जो AWS है वो हमको दे रहा है, ऑफर कर रहा है वेरियस मतलब कई तरह की स्टोरेज सर्विसेज, मतलब आप अपना डेटा उनके यहाँ स्टोर कर सकते हैं, ऐसी डेटा सर्विसेज वो दे रहे हैं। तो जब स्टोरेज सर्विस दे रहे हैं तो डेट कैन डेज डेटा फॉर योर वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट के लिए डेटा स्टोर करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ, अगर ये स्टोरेज सर्विस दे रहे हैं तो वो हमारे डेटा को क्या करेगी, हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। और क्या, तो यहाँ पे स्टोर लगाओ, स्टोर कहाँ है, पहला ही ऑप्शन स्टोर दिया है। पोर क्यों करेंगे, पोर स्टॉक या बारिश क्यों करेंगे, देखो आप स्टॉक तो लगा सकते थे, स्टॉक का मतलब किसी चीज़ को स्टोर करके रखना, स्टॉक करके रखना, लेकिन जब इन्होंने यहाँ स्टोरेज सर्विस सीधे दे दी है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, जो डेटा होता है ना, डेटा का स्टॉक नहीं होता, स्टॉक होता गेहूँ दाल चावल सब्जी नमक प्याज हल्दी इन सब चीज़ों का स्टॉक होता है ना, और डेटा वगैरह का स्टॉक नहीं होता, स्टोर होता है। ठीक, तो ये तीसरा वाला नहीं हो पाएगा, पहला वाला ही होगा। आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में आप पैसिव वॉइस बताओ, किसकी पैसिव वॉइस बतानी है। देखो द टाइग्रेस वाज ट्रेलिंग अ स्टैग, टाइग्रेस का मतलब क्या हुआ, शेरनी हो गई, शेरनी क्या कर रही थी, ट्रेल कर रही थी किसको, एक स्टैग को। स्टैग क्या होता है, बारहसिंघा होता है, हिरन की मतलब बिरादरी का है बारहसिंघा। वाज के साथ ट्रेलिंग लिखा हुआ है, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जब वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी तो होगा वाज ही पहले, फिर भी तो एक तो ये हैड बीन काट दो यहाँ से, हैड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वाज के साथ ट्रेल नहीं होगा, वाज के साथ ट्रेलिंग नहीं होगा, क्या लगाना, वाज बीइंग ट्रेल्ड पहला वाला होगा। ठीक, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 आपका होगा ना, हाँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बता रहे हैं कि एरर बतानी है। लिखा है अ की इंस्टीट्यूशन इज, जो की इंस्टीट्यूशन है, जो मुख्य इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या है, जुडिशियरी है, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट है, विद अ वाइडली रिमिट एंड वाइज लीगेसी। ठीक है, अब आ जाओ जरा, मतलब एक जो की इंस्टीट्यूशन है किसी भी देश का वो जुडिशियरी होती है और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है, विद मतलब उसके पास होता क्या, अ वाइडली रिमिट, अ वाइडली रिमिट और अ वाइज लीगेसी। अब देखो लीगेसी क्या है, नाउन है, इसके पहले वाइज एडजेक्टिव लगा है, तो अब रिमिट क्या है, रिमिट भी नाउन है, तो रिमिट के बाद पहले रिमिट नाउन है तो उसके पहले हमें क्या लगाना चाहिए, एडजेक्टिव लगाना चाहिए, एडजेक्टिव लगाना चाहिए तो वाइडली नहीं होगा ना, वाइड रिमिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद अ वाइड, वाइड रिमिट होता है, रिमिट का मतलब क्या हुआ, एक तरह का अधिकार क्षेत्र होता है, तो वाइड रिमिट बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है इसका, तो वाइड रिमिट होगा, वाइडली रिमिट नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है वाइडली रिमिट, ये दिया वाइडली रिमिट, आपका आंसर कौन सा हुआ, टू वाला हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, अपने आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अपोजिट वर्ड बताना है, किसका अपोजिट है, इलुसिडेट बताया, इलुसिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेक इजी, मतलब कोई ये कोई क्वेश्चन है या कोई स्टेटमेंट है जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप इलुसिडेट कर देते हो, इसका मतलब दैट मीन्स यू एक्सप्लेन इट, यू मेक इजी, तो जब इसी किसी चीज़ को सरल कर देना, सरल करके उसको बताना इलुसिडेट होता है। ठीक है, अब ये हो गया डायलेट, डायलेट मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, प्रसार करना उसको, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ छोटी सी उसको बड़ा कर देना, तो बड़ा करना मैग्नीफाई हो जाता है। आउटडेट का मतलब क्या होता है, जो जिसकी डेट ओवर हो चुकी है, निकल चुकी है। ऑफस्केट, एक दिन और आया है ये वर्ड, ठीक है, ये इसके पहले भी एक बार बता चुका हूँ, ऑफस्केट का मतलब होता है टू मेक कॉम्प्लेक्स, टू मेक कॉम्प्लेक्स या टू इंट्रिकेट, किसी चीज़ को उलझा देना, टू मेक कॉम्प्लेक्स, किसी चीज़ को आप उलझा दे रहे हैं, मतलब उसको सुलझा नहीं रहे हैं, सरल नहीं कर रहे हैं, कठिन कर दे रहे हैं। तो एलुसिडेट का मतलब आसान करना, ऑफस्केट का मतलब क्या हुआ, उसको जटिल कर देना, कॉम्प्लेक्स कर देना, तो यही उसका एंटोनियम हो जाएगा। अब आओ अपनी क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। यहाँ लिखा कि शुभम सेड, शुभम सेड का शुभम सेड हो जाएगा, आप इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा है तो इनवर्टेड कॉमा लग जाएगा। हिज फादर, हिज फादर किसके फादर हैं, ये शुभम के फादर हैं, तो स्पीकर के लिए हम क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं, माई फादर, वाच की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, और जो हिम लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। माई फादर इज प्लेइंग क्रिकेट विद मी, तो यहाँ लिखा है कि माई फादर इज़ प्लेइंग क्रिकेट विद मी, पहला वाला सही होगा। यहाँ पे वाज लिखा है, अगर एक्टिव अगर डायरेक्ट में वाज होगा तो इनडायरेक्ट में हैड बीन हो जाएगा, ये लगेगा नहीं, और फिर हैड तो होगा नहीं यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड भी नहीं होगी, इज लगाना चाहिए था ना वहाँ पे। यहाँ लिखा है माई फादर वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो हो जाएगा माई फादर
इज प्लेइंग क्रिकेट, इज करना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 में फिर से एडियम दिया हुआ है, टू ब्रिज द गैप, टू ब्रिज द गैप। गैप देखो, मान लो एक नदी है, ये इस नदी पे इस पार से इस पार जाने में घंटों लग जाता है, लेकिन अगर इसमें एक पुल बना दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो 2 मिनट में आप पार कर जाओगे। तो जो पार करने में घंटों लगता, अच्छा घंटों लगने का मतलब बड़ी दूरी है, अच्छा यही चीज़ जब मिनटों में पार कर लिया तो इसका मतलब दूरी बहुत कम हो जाती है। तो ब्रिज द गैप का मतलब क्या हुआ, गैप में एक ब्रिज बना दिया, इसका मतलब दूरी को कम कर दिया, जो दूर दूर चीज़ें हैं उनको पास में ला दिया, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप डिस्टेंस को कम कर देना होता है, ठीक है। इडियम में ये मतलब हो जाएगा, डिस्टेंस को कम कर देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें आंसर क्या होगा। टू पुश पीपल अपार्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा। टू रिड्यूस डिफरेंसेज एंड रिकाउंसिल, ये हो सकता है कि लोगों के बीच का डिफरेंस आप दूरी को कम कर दिए, और रिकाउंसिल का मतलब क्या हुआ, उनमें सुलह करा दिया, जिससे दो भाई में दुश्मनी हो गई है, ठीक है, बोलचाल नहीं है। तो अगर जब उनमें भी बोलचाल करा दिया जाता है तो वो रिकाउंसाइल हो जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो यही होकर था कि दो लोगों के बीच में जो गैप था उस गैप को ब्रिज कर दिया, पाट दिया। तो दूसरा वाला आंसर सही है। टू स्लैंडर समवन, ये बिल्कुल नहीं है। टू मेंड अ ब्रोकन ब्रिज, बिल्कुल नहीं हुआ। ब्रोकन ब्रिज को मेंटेन करना वो नहीं होता। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 का आपका क्वेश्चन क्या है भाई, देखो, अरे बाप रे, तो बहुत लंबा चौड़ा है PQRS। देखो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, ये बहुत छोटा छोटा मैंने लिख दिया है जानबूझकर, क्योंकि बहुत बड़ा था। देखो इसमें, देखो ये तो स्टार्टिंग हो गई, स्टार्टिंग के बाद ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, S और Q और एंडिंग नीचे दी हुई है। तो इतना लंबा चौड़ा था ये कि इसको आपको दो में करना पड़ा। देखो ये 18 में और ये आपका ये वाला यहाँ आके एस वाला, और ये इसका एंडिंग पोर्शन है, यहाँ आके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो एक बार तो इसको भाई पढ़ना पड़ेगा तभी काम बन पाएगा। तो आ जाओ एक बार पढ़ते हैं इसे। यहाँ देखो लिखा हुआ है द इमीडिएट कंटेक्स्ट ऑफ द डनकिर्क, डनकिर्क एक जगह है, डनकिर्क इवैक्यूएशन वाज जर्मनीज इन्वेशन ऑफ लो कंट्रीज एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन 1940। कह रहे हैं कि इमीडिएट कंटेक्ट, जो तुरंत का कारण था डनकिर्क इवैक्यूएशन का, मतलब क्या हुआ, डनकिर्क में इवैक्यूएशन हो रहा है, ये डेनमार्क में है, नहीं नीदरलैंड में है। तो यहाँ पे इवैक्यूएशन मतलब जगह खाली कराई जा रही थी, वो उसका कारण क्या था, जो डनकिर्क को खाली करने का कारण था वो इमीडिएट कारण ये था कि जर्मनी ने अटैक कर दिया था लो कंट्रीज, जो उनके नीचे कंट्रीज थी, और नॉर्दर्न फ्रांस पर इन्होंने कब्जा कर आक्रमण कर दिया था, कब, 1940 में, ठीक, ये एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद क्या लिखा है कि द डच डिफेंडर्स फेल बैक, डच का मतलब वही नीदरलैंड के, नीदरलैंड के जो डिफेंडर्स थे जो वहाँ पे डिफेंड कर रहे थे बचाव कर्मी या वहाँ की सेना जो थी, फेल बैक, वो पीछे हट जाती है वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर, एंड बाय नून ऑन मे 12, तो 12 मई को दोपहर तक, याद रखना 12 मई दोपहर को, जरा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, 12 मई की दोपहर की बात हो रही है, जर्मन टैंक्स वर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ रोटरडम, रोटरडम जगह है डेनमार्क, वहाँ सॉरी नीदरलैंड, बार बार डेनमार्क क्यों निकल रहा है, नीदरलैंड में एक जगह है रोटरडम, तो रोटरडम की बाहरी सीमा पर आ गई थी जर्मनी की सेना, जर्मनी के टैंक आ गए थे। ये 12 मार्च की बात है। आगे लिखा है कि क्वीन विलहेल्मिया, ठीक है ना, क्वीन विलहेल्मिया और उनकी जो गवर्नमेंट थी लेफ्ट द कंट्री, ये लोग देश छोड़ करके निकल जाते हैं इंग्लैंड ऑन मे 13, ये काम होता है 13 मई को, मतलब हुआ कि 12 मई को ये वाला काम हुआ था पी वाला, और 13 मई को क्यू वाला हुआ है, तो पी के बाद क्यू लग गया, सीधे पी हुआ उसके बाद क्यू लगा, वो 12 मई को था, ये 13 मई को है। और लिखा है ऑन मे 10, ये 10 मई को हुआ है, तो 10 मई का मतलब ये आर यहाँ लगा देते हैं, आर पी क्यू हो गया, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी चीज़ आर पी क्यू, इतना तो तय है कि पहले आर होगा फिर पी होगा फिर क्यू होगा, ठीक है। ये 10 मई है, वो 12 मई है और वो 13 मई है। और हो क्या रहा है कि इन्होंने कहा कि 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अटैक किया है। अब ये आर वाला क्वेश्चन पढ़ो, लिखा आन मे 10 जर्मन ब्लिट्ज क्रिग, आगे लिखा है अटैक ऑन द नीदरलैंड्स
जो इनका नीदरलैंड पे अटैक था, बिगेन विद कैप्चर बाई पैरासूट से जो लोग उतरते हैं वहाँ से शुरू किया था इन्होंने, पैरासूट हो गया ना, तो पैरासूट का यूज करने वाले पैरासूटिस्ट कहे जाते हैं, तो पैरासूटिस्ट हो गए ये ऑफ की ब्रिज, वहाँ का जो एकमात्र ब्रिज था उस पर डीप विद इन द कंट्री, डीप मतलब देश के बहुत अंदर घुस के जाके ये लोग पैरासूट से उतर गए थे। आगे लिखा विद एम ऑफ ओपनिंग द वे ऑफ फॉर मोबाइल ग्राउंड फोर्सेज, जो ग्राउंड फोर्सेज हैं जो स्थल सेना है उसके लिए गेट खोला, तो ये अंदर शहर के अंदर देश के अंदर घुस गए, घुसने के बाद इन्होंने ऐसी सिचुएशन बनाई कि बाहर की सेना अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये तारीख के 10 तारीख को हुआ था, तो ये आर पहले कर लिया जाता है, आर के बाद कर लिया जाता है 12 तारीख वाला कि डिफेंडर, जब ये सेना अंदर आ जाती है तो डिफेंडर्स पीछे हट जाते हैं, 13 में वहाँ की रानी जगह खाली करके चली जाती हैं। तो अभी जो लग रहा है वो क्या है, आर पी क्यू। अब एस वाला देख लेते हैं, ये जर्मनी का अटैक है किस पर, नीदरलैंड पर, ठीक है। आर पी क्यू में जर्मनी का अटैक नीदरलैंड पर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एस में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है द इन्वेजन ऑफ बेल्जियम आल्सो बिगेन ऑन मे 10, 10 मई को ही बेल्जियम का अटैक हुआ था, बेल्जियम का। देखो वो पहला वाला जर्मनी का अटैक था, ये बेल्जियम का अटैक है, 10 मई का ही होता है। आगे लिखा है व्हेन जर्मन एयरबोर्न ट्रूप्स, जो जब जर्मनी का एयरबोर्न ट्रूप लैंडेड, जर्मनी वाले लैंडेड ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ इवेन एनएल। आगे लिखा है इमीडिएटली अपोजिट, ठीक है, मास स्ट्रिक्ट। आगे लिखा है एंड ऑन द ब्रिजेज ओवर द अल्बर्ट कैनाल, इसके पुल पे, ठीक। यहाँ लिखा आल्सो, ध्यान रखना ये भी जर्मनी ने किया था बेल्जियम पर, मतलब 10 तारीख को जर्मनी ने दो जगह किया था, एक जगह जर्मनी ने अटैक किया नीदरलैंड पर, दूसरा अटैक उन्होंने किया बेल्जियम पर। तो कौन सा अटैक पहले लिखा जाएगा, कौन सा अटैक बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, इसका एक क्लू आपको मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ देखो बेल्जियम के आगे क्या लिखा है, आल्सो, इसका मतलब बेल्जियम वाला अटैक पीछे पीछे होगा। पहले कौन सा हम लोग लिखेंगे, पहले नीदरलैंड वाला लिखेंगे, नीदरलैंड की तीनों बातें लिखेंगे, उसके बाद बेल्जियम पे आ जाएंगे। तो बेल्जियम पे अटैक करते हैं। उसके बाद 11 मई को कह रहे हैं क्या हुआ था कि 11 मई को बेल्जियम फ्रंट वाज ब्रोकन, बेल्जियम फ्रंट जो था वो तोड़ दिया गया एंड जर्मन टैंक्स रैन ऑन वेस्टवर्ड, ठीक है, जब और जर्मन की जो टैंकें हैं वो वेस्टवर्ड घूमने, मतलब ये वाला जो है बेल्जियम, नीचे जो आखिरी सेंटेंस है, जो सेंटेंस को एंड कर रहा है वो बेल्जियम पर है, तो इसका मतलब हुआ कि हम आर वाला, ये जो एस वाला है वो एंड वाले के पहले करेंगे, क्योंकि जर्मन का जो बेल्जियम पर अटैक है वो एंड वाले के पास में है और जर्मन का जो नीदरलैंड वाला अटैक है वो ऊपर वाले ओपनिंग सेंटेंस के साथ है, तो सीधा सीधा हम लोग लगा दिए। ऊपर क्या लगा था पहले, इसके ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या सेट किया था, इसके ऊपर वाले में हम लोगों ने सिया था आर सेट किया था आर पी क्यू, आर पी क्यू के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो आर पी क्यू एस कहाँ है, जिसमें होगा आर पी क्यू एस, ये है आर पी क्यू एस, यही वाला आंसर होगा आपका, ठीक है, एस वाला एंड वाले के साथ ही कनेक्ट हो रहा है, एस से एंड यही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर किसमें, ये क्वेश्चन नंबर 18 था ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है अब, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, नहीं वो 17 था, वो क्वेश्चन नंबर 17 था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ढीठ टाइप का आदमी है, ट ठ ड ढ, ये गलत होगा, ढीठ ये होगा, बहुत ढीठ आदमी होता है, ढीठ होगा तो बोल्ड और सेमलेस होगा। लिजिटेशन होता है मुकदमा, किसी पर कोई केस चला देना, मुकदमा चला देना, इसकी भी स्पेलिंग सही है एकदम से। फोर्टिशस ये गलत हो गया, फोर्टिशस गलत हो गया, इसमें क्या होगा, एफ ओ आर उसके बाद टी यू आई, ध्यान रखना यही गलती हुई है, यहाँ पे टी के बाद यू लगा हुआ है, यहाँ क्या होगा टी यू आई होगा, फिर टी ओ यू एस होगा, ठीक है। फोर्टिशस होता है ये, फोर्टिशस का मतलब क्या होता है बताओ, फोर्टिशस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम पहले से उम्मीद ना किए हों, जो बाई चांस घटित हो जाता है, मतलब क्या हुआ, हैपनिंग बाई चांस, फोर्टिशस होता है, ठीक है। अब इनवल्नरेबल,
इनवल्नरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो एकदम से सिक्योर है, एकदम से सेफ है, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, वो इनवल्नरेबल होगी। फिलहाल इनकी स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं हो सकते, इसकी स्पेलिंग गलत है तो ये आपका आंसर होगा, और सही स्पेलिंग क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, आपका क्वेश्चन नंबर 19 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके क्या दिया हुआ है, एरर दी हुई है। चलो देखो इसमें एरर क्या है, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टर्नड आउट टू बी, ये भी ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड। अरे यार, दो क्वेश्चन एक ही बात पर। अभी थोड़ी देर पहले इसी वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ होती है वन ऑफ तो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यहाँ देखो क्या लिखा, वन ऑफ द, या है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द बिगेस्ट के बाद ये लैंडस्लाइड है तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, लैंडस्लाइड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड्स, वन ऑफ कर रहे हो तो ये जो लैंडस्लाइड लिखा है ये लैंडस्लाइड गलत है, यहाँ लैंडस्लाइड्स होना चाहिए। एक ही बात पर दो क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है। आई ट्राई टू, देखो आई ट्राई टू, टू के साथ मैंने क्या कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ चीज़ें और बताई थी मैंने कि कभी कभी टू के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है, कुछ रेयर केसेज हैं 1%। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप इसको वो, अगर आपको नहीं पता है वो पूरी लिस्ट तो आप क्या करिए ना, वो देख लीजिए ना जो हमने पढ़ाया था कि जब कब टू के बाद एनजी फॉर्म लगती है। वर्ब फॉर्म पर दो वीडियो हैं, 3 प्रैक्टिस सेट हैं, 5 हैं कुल। तो अगर प्रैक्टिस सेट नहीं भी कर रहे हैं तो आप देख लीजिए किसके किसके पास वर्ब की एनजी फॉर्म किसके किसके बाद लगती है। तो फिलहाल ट्राई के बाद वर्ब की, ट्राई के बाद जो टू लगता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एनजी फॉर्म नहीं लगेगी। तो आई ट्राई टू ट्रेवल, ठीक है ना, तो पहले तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो, यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही आपका आंसर होगा, ट्रेवल और ट्रेवल्स नहीं होगा, क्लियर। आगे आ जाओ आपका आप आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक में होता क्या है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, बार बार क्या बताएं। तो आ जाओ करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 25 का ये पैराग्राफ है, तो पढ़ लेते हैं एक बार पैराग्राफ। लिखा है द मॉडर्न पिज्जा वाज ओरिजिनली, आहा हा पिज्जा आ गया, तो कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा हैं पिज्जा का नाम सुनते ही, ठीक बच्चा, लेकिन यहाँ खाने को नहीं मिलेगा, खाली पढ़ो कि पिज्जा कहाँ से ओरिजिन होता है, शुरुआत में कैसा था। तो मॉडर्न पिज्जा वाज ओरिजिनली डैश इन नेपल्स, नेपल्स क्या होता है, नेपाल मत पढ़ना, नेपल्स है इटली में एक शहर है नेपल्स, ठीक है, ये लिखा भी तो है इटली जी। तो इन्होंने कहा ओरिजिनली डैश इन नेपल्स, मतलब क्या हुआ, शुरुआत वहीं पे हुई थी ओरिजिनली, इसकी ओरिजिन क्या है वो नेपल्स में है। भर दें अभी ना भरें, नहीं अभी नहीं भरेंगे, बर्दाश्त करो थोड़ी देर, ठीक है। बट द वर्ड पिज्जा इन ग्रीक, ठीक है ना, जो वर्ड है पिज्जा, देखो पिज्जा शुरू होता है कहाँ पे, नेपल्स में, लेकिन जो वर्ड है पिज्जा, ये वर्ड वो क्या है, ग्रीक है, मतलब ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है पिज्जा, शब्द ग्रीक शब्द है, इन डैश, तो अपनी ओरिजिन में, ये वर्ड अपनी ओरिजिन में, अपनी उत्पत्ति में ग्रीक भाषा का है, ठीक। आगे आ जाओ, आगे लिखा डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पिटकॉस, पेक्टॉस, ये जो वर्ड है कहाँ से लिया, डिराइव्ड मतलब लिया गया है ग्रीक वर्ड पेक्टॉस से, मीनिंग पेक्टॉस की मीनिंग होती है सॉलिड या क्लॉटेड, ठीक है। अब लिखो द एंशियंट डैश कवर्ड देयर ब्रॉड निकल गया मुँह से, एंशियंट डैश, अब दो जगह है, एक तो नेपल वाले हो गए और एक ग्रीक वाले हो गए, इन दोनों में से कोई एक होगा, नेपल वाले, नेपल्स वाले या ग्रीक वाले, कवर्ड देयर ब्रेड, और अपनी ब्रेड को कवर करते थे, मतलब अपनी ब्रेड के ऊपर से लगाते थे, क्या लगाते थे उस पर, ऑयल लगाते थे, हर्ब्स रखते थे, हर्ब्स का मतलब कुछ वही हरी सब्जियाँ वगैरह रखते थे एंड चीज़, और वहाँ पनीर रख देते थे, ठीक है, ये तो बर्गर वाला हो गया, ठीक है। तो ये शुरुआत है, ये ग्रीक वाले जब अपनी उस पर, अपनी ब्रेड पर आयल और हर्ब और चीज़ लगा करके खाया करते थे, उसको वो लोग पेक्टॉस कहा करते थे, मतलब ये क्या हुआ, ये पिज्जा का पूर्वज हो गया। आगे लिखा द फर्स्ट मेजर डैश दैट लेड टू फ्लैट ब्रेड, तो हाँ, तो पहला प्रयोग यहाँ हो गया ना, पहला बड़ा प्रयोग जिसमें, जिसका नतीजा हुआ कि फ्लैट ब्रेड पिज्जा बनने लगा, वाज द यूज ऑफ टोमेटो एज अ टॉपिंग,
मतलब जब उसको टॉपिंग करने के लिए, जब उसको ऊपर से लगाने के लिए उसमें टोमेटो यूज किया जाने लगा, तो पहला चेंज आता है इसमें कुछ। ठीक, आगे लिखा इट वाज कॉमन फॉर द पुअर, ये गरीब आदमी के लिए होता था। ठीक है, वो पनीर वनीर नहीं रख पाते थे, उसकी जगह क्या रखते थे, टोमेटो रख लेते थे। ठीक है, तो इट वाज कॉमन फॉर द पुअर ऑफ द एरिया अराउंड नेपल्स, नेपल्स के एरिया में ये मतलब क्या था, गरीबों के लिए हो गया था, ये शुरुआत हो गया। टू ऐड डैश टू देयर ईस्ट बेस्ड फ्लैट ब्रेड, ईस्ट बेस्ड मतलब क्या हुआ, वो खमीर से बनाया करते थे, ईस्ट से बनाया करते थे। आगे लिखा एंड सो द पिज्जा बिगेन, और इस तरह से पिज्जा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना भरना। और सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं कि द मॉडर्न पिज्जा वाज ओरिजिनली डैश इन नेपल्स, तो सबसे पहले क्या किया है, परवेडेड इन नेपल्स, बिल्कुल नहीं, इन्वेंटेड, हाँ ये हो सकता है, एज्यूम्ड, ये कल्पना थोड़े की जा रहे हैं, आर्केडेड नहीं होगा, आर्केडेड का मतलब यहाँ क्या होता है, प्रचार करने के सेंस में आता है ना आर्केडेड, तो फिलहाल आर्केडेड यहाँ कोई सूटेबल नहीं है। क्लियर, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले में। ठीक है, आर्केडेड मतलब कहीं पे कोई चीज़ छाया हुआ होता है ना, जिसे मान लो सड़क है, सड़क के दोनों ओर से पेड़ हो, एकदम से सड़क पेड़ों के नीचे हो तो आच्छादित होती है पेड़ों से, वो है, ये लगाने कोई मतलब नहीं है, इन्वेंट करो फिर और क्या, पिज्जा का इन्वेंशन करते हैं। देखें आगे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 22, दूसरा पिलर, यहाँ क्या है, ग्रीक, ये जो पिज्जा वर्ड है वो ग्रीक है क्या है ओरिजिन में, तो ग्रीक इन बुलेटिन, नहीं भाई, ग्रीक इन ओरिजिन, हाँ ये हो सकता है, ग्रीक इन विलेन या ग्रीक इन अलाइन, नहीं, वर्ड की जो उत्पत्ति है वो ओरिजिन क्या हो सकती है, ग्रीक हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका 3 नंबर का पिलर, 3 नंबर में क्या, द एंशियंट डैश कवर्ड देयर ब्रेड, तो एंशियंट ग्रीक्स होगा कि एंशियंट रोमन्स होगा, बात हो रही है नेपल की, तो नेपल के लिए, ठीक है, नेपल्स एक शहर है ना, तो नेपल्स में भी कुछ हुआ था, इटली के नेपल शहर में, लेकिन केवल नेपल के लिए, वो लोगों के लिए लगाया जाता तब तो ठीक था ये, लेकिन ये ग्रीक, पूरा ग्रीक के लिए लगा रहे, तो मतलब ये लगाना होगा आपको, एंशियंट ग्रीक्स, शुरुआत में कहाँ हुई थी, ग्रीक से हुई थी ना, तो ये कह रहे हैं कि प्राचीन ग्रीक वाले अपनी ब्रेड को आयल से, हर्ब से और चीज़ से कवर किया करते थे। उसके बाद इसमें चेंज आता है, ठीक है, इस समय कौन फ़ोन कर रहा भाई, तो उसके बाद इसमें चेंज आता है, चेंज क्या आता है, फर्स्ट मेजर डैश, अब चेंज कहाँ होगा, ये आएगा नेपल्स में, ठीक है, कहाँ आया, ये चेंज आता है नेपल्स में, इसके पहले वाला, इसीलिए तो हमने पहले वाला ग्रीक लगा दिया 3 वाले में, क्योंकि पहले ग्रीक में ये हुआ था, उसके बाद जो चेंज आएगा वो नेपल्स में आएगा, नेपल्स में उसमें टोमेटो लगा देंगे, ठीक है, और ईस्ट बेस्ड बना देंगे उसको, तो 4th नंबर पे आओ, चलो देखते हैं क्या लगाना होगा हमको, तो ये रहा आपका 4th नंबर पे। फिलर नंबर 4 के लिए यहाँ क्या दिया है, द फर्स्ट मेजर डैश दैट लेड टू फ्लैट ब्रेड पिज्जा, तो फ्लैट ब्रेड मतलब चपटा वाला होता है, फ्लैट ब्रेड पिज्जा जो बनना शुरू हुआ, उस पर टोमेटो टॉपिंग करते थे, टॉप पे टोमेटो रखा जाता था, ये कहाँ हुआ था, नेपल्स में हुआ, तो पहला क्या हो रहा है, पहला कल्टीवेशन या पहला ऑब्जर्वेशन या पहला अग्रवेशन या पहला इनोवेशन, बताओ पहला क्या होगा, ये तो पहला इनोवेशन होना चाहिए ना, कुछ उसमें चेंज किया, कुछ उसमें सुधार किया, तो पहला इनोवेशन हुआ, ठीक, पिज्जा में पहला इनोवेशन, पढ़ लो हिस्ट्री समझ लो पिज्जा की। अब आगे 5वें वाले फिलर पे, तो इसको किससे टॉपिंग करते थे, ऊपर लिखा था तो ये टोमेटो यूज करते थे, अब आगे आके देखो फिर यही क्या करें, इट वॉज कॉमन फॉर द पुअर ऑफ द एरिया अराउंड नेपल्स टू एड डैश टू देयर ईस्ट बेस्ट, क्या ऐड किया करते थे ये लोग, अब जाहिर सी बात है टोमेटो यूज करते थे कि ऑनियन यूज करते थे कि पोटैटो यूज करते थे कि हर्ब यूज करते थे, तो ऊपर दिया ही इन्होंने ना टोमेटो टॉपिंग करते थे, तो क्या करो आप टोमेटो लगा दो भाई, जब ऊपर बताया गया वही ना लगाएंगे हम अपने मन से थोड़े कुछ लगाएंगे कि आप कमन कर रहा हो, नहीं यार उसमें तो पोटैटो भी होती है, ऑनियन भी लगाते हैं, तो ऑनियन अपने मन से क्यों लगाओ, कि पिज्जा में होता तो है ऑनियन, लेकिन यहाँ जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो टोमेटो की बात कर रहे हैं ना, तो टोमेटो लगाओ। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन थे, किस वाले सेट के, 17 वाले सेट के, टोटल कितना हो गया आप जोड़ लीजिएगा, 17 सेट हम लोग कर चुके हैं, कल हम लोग आधे पर पहुँच जाएंगे, कल 18 कर लेंगे। क्लियर, तो आज का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा,
अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। अच्छा लग रहा हो तो आगे भी बढ़ाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और लोगों को आप लोग तो फिलहाल कर ही चुके होंगे, हाँ, लेकिन एक बात है, जब मैं अपना क्या कहते हैं यूट्यूब स्टूडियो देखता हूँ तो उसमें जो व्यूवर दिखते हैं ना, वो नॉन सब्सक्राइब्ड वाले सब्सक्राइब्ड वालों से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब्ड वाले देख रहे हैं। तो अगर आप भाई देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप चुप चुप आप देखिए, आपको हमको कोई हर्ज नहीं है, बिना सब्सक्राइब किए देखिए, बिना लाइक किए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप देख ही रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देने में क्या जाता है, ठीक है। फिलहाल आपकी अपनी मर्ज़ी, तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।